हे गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो बिगनर्स की कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में, जो कि वो लोग करते हैं जब वो क्रिप्टो स्पेस में नए नए होते हैं। एंड मिस्टेक्स गाइस सब लोग करते हैं लाइफ में, ऐसा कुछ है नहीं कि कोई मिस्टेक नहीं करता, मिस्टेक्स सब करते हैं। बट मिस्टेक्स जो है हमारे लर्निंग का एक पार्ट होती है, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पता चलता है कि हम लोग कुछ जो है नया सीख रहे हैं, तो मिस्टेक्स जो है कोई बड़ी बात नहीं है, बट उनसे सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लॉन्ग रन में ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो इस वीडियो में मैं क्रिप्टो बिगनर्स की कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि वो लोग करते हैं, एंड आपने भी किए हैं, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड गाइस, ये वीडियो मुझे बहुत पहले बना देना चाहिए था, बट अभी भी एक्चुअली ये हो रहा है कि क्रिप्टो का बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैल रहा है और बहुत सारे लोग जो है नए क्रिप्टो में आ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। एंड अगर आपका लेवल प्रो है क्रिप्टो में तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, बट मैं श्योर हूँ कि ये वीडियो डेफिनेटली आपको कुछ नया सिखाएगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए दोस्तों। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि प्लीज़ हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्रिप्टो से जुड़ी जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट है मैं आपको वहाँ पर देता हूँ। एंड ट्विटर पर भी मुझे फॉलो कर लेना गाइस। तो जो सबसे फर्स्ट कॉमन मिस्टेक है दोस्तों, जो कि क्रिप्टो बिजनेस करते हैं, वो है फोकस ऑन अर्निंग रेदर देन लर्निंग। आपने कहीं से सुना कि हाँ भाई क्रिप्टो में या बिटकॉइन में बहुत पैसा है, आप सीखना कुछ नहीं चाहेंगे, आपने बस सुना और आप डायरेक्टली आके कुछ भी चीज़ में जो इन्वेस्ट कर देंगे, तो ये चीज़ आपको कभी भी नहीं करनी है दोस्तों। क्रिप्टो करेंसी बहुत ही टेक्निकल फील्ड है एक तरीके से देखा जाए तो, बिकॉज इसमें क्रिप्टोग्राफी है और बहुत सारा जो है लैंग्वेज यूज होता है प्रोजेक्ट में, या फिर आप ट्रेडिंग में भी आते हो तो वहाँ पे भी आपको FA और TA एनालिसिस सीखना पड़ता है, तब जाके आप उसमें अर्न कर पाते हो। आपने कहीं से सुन लिया और आपने जो है पैसे कमाने के लालच में किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कर दिया तो आप हमेशा लॉस करोगे, तो हमेशा पहले सीखने पे ध्यान दें, फिर आप जो है अर्निंग का सोचें। दूसरा कॉमन मिस्टेक है दोस्तों, जो कि क्रिप्टो बिजनेस करते हैं, वो है कि जो एक्सचेंज होते हैं उस पर 2FA सिक्योरिटी नहीं लगाते, या फिर अपना वॉलेट का जो रिकवरी फ्रेज है या फिर जो प्राइवेट कीज़ है उसको जो है सही तरीके से स्टोर करके नहीं रखते। चलो 2FA बैकअप का तो ये होता है कि आप एक्सचेंज पे KYC डिटेल वगैरह शेयर करोगे तो एक्सचेंज जो है इस चीज़ को रिसेट कर देगा, बट आपने प्राइवेट कीज़ या फिर अपना जो रिकवरी फ्रेजेज है उसको खो दिया तो कोई चांस नहीं है कि आप अपना फ़ंड जो है वापस ले सकते हो। तो हमेशा अपना जो रिकवरी फ्रेज है या प्राइवेट की है उसको बहुत सही तरीके से संभाल के रखे। थर्ड मिस्टेक है गाइस, जो कि क्रिप्टो बिगनर्स करते हैं, अपने जो कॉइन्स है या टोकन्स है उसको किसी गलत एड्रेस पे भेज देना, या फिर ट्रांजैक्शन करते टाइम इनकरेक्ट एड्रेस जो है डाल देना, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और क्रिप्टो बिगनर्स बहुत लोग ऐसे हैं जो कि स्टार्टिंग में करते हैं ये कॉमन मिस्टेक, या फिर ये गलती से हो जाती है या फिर हो ही जाती है अगर बिगनर्स हैं तो, क्योंकि ज़्यादा नॉलेज होती नहीं है, तो ये चीज़ है जिसको अवॉइड करना चाहिए और इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए जब भी आप ट्रांजैक्शन करें तो। बिकॉज मेरे केस में ऐसा एक बार हो चुका है, मेरे एक दोस्त ने मेरे बजीरेक्स का जो BTC एड्रेस है उस पर USDT भेज दिया था। लकीली ये है कि जो USDT है वो बिटकॉइन के ओमनी लेयर पर है, तो बजीरेक्स जो उस चीज़ को वापस कर देगा, बिकॉज सेम प्राइवेट कीज़ जो है दोनों जगह पर काम आ जाती है इस केस में, बट ज़्यादातर कॉइन्स होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता, तो हमेशा इस चीज़ का आप ध्यान रखें। फोर्थ कॉमन मिस्टेक है दोस्तों, जो कि क्रिप्टो बिगनर्स करते हैं, वो है कि उनके पास एक क्लियर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नहीं होती और वो लोग कुछ भी बाई कर लेते हैं गाइस, कभी अप गया कब डाउन गया कुछ नहीं देखते जाके बाई कर लेते हैं, ना ही कभी स्टॉप लॉस का यूज करते, कभी भी एक कॉइन से दूसरे कॉइन में जो है जंप कर जाते हैं और पेशेंस बिल्कुल नहीं रखते, तो ये चीज़ आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए। ज़्यादातर लोग जो है ये मिस्टेक्स करते हैं। एटलीस्ट जब भी आप कोई कॉइन बाई करें तो अपने आप से ये क्वेश्चन करें कि मैं इस कॉइन में इन्वेस्ट क्यों कर रहा हूँ और मुझे कब इसको सेल करना है, ताकि आपको एक बेटर आइडिया मिल पाएगा उस कॉइन से रिलेटेड। फिफ्थ कॉमन मिस्टेक है दोस्तों, जो कि क्रिप्टो बिजनेस करते हैं बिकॉज उनको पता नहीं होता, कुछ कॉइन वो बाई कर लेते हैं और वो कॉइन का वैल्यू जो है कम हो जाता है, 10% 20% डाउन आ जाता है, तो वो लोग जो है स्केयर्ड हो जाते हैं इस चीज़ से। बट आप बिगनर हैं तो आपको ये चीज़ जो है सीखनी पड़ेगी कि क्रिप्टो मार्केट कितना वोलेटाइल है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट होता है प्राइस में, तो स्केयर्ड आपको नहीं होना है अगर आपका कॉइन्स जो है डाउन आ जाता है तो, या फिर ज़्यादा एक्साइटेड आपको नहीं होना है अगर आपका कॉइन बहुत ज़्यादा अप चला जाता है तो। बिकॉज दोस्तों क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेज में 10-20-30% एक दिन में जो है मूवमेंट हो जाता है, और ये क्यों होता है, बिकॉज मार्केट अनरेगुलेटेड है, प्राइस मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, लो लिक्विडिटी एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कोई भी आके पंप कर देता है, तो ये सब होता है। तो ये चीज़ें जो है कॉमन
या फिर जो बिगनर्स लोग होते हैं क्रिप्टो में उनको स्केयर्ड थोड़ा कर देती है। सिक्स कॉमन मिस्टेक है दोस्तों जो कि क्रिप्टो बिगनर्स करते हैं, आई थिंक वो है दे लिव इन देयर ओन अल्ट कॉइन बबल। इसका मतलब क्या है, जैसे कि उनके लिए बहुत ईजी होता है ये सोचना कि उनका कॉइन जो है बियर मार्केट में परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो वो लोग जो है थोड़ा होपलेस हो जाते हैं। बट ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर आप और क्रिप्टो करेंसीज़ को भी देखोगे बियर मार्केट में तो वो भी बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर दिए है। सेवन्थ कॉमन मिस्टेक है दोस्तों जो कि क्रिप्टो बिगिनर्स करते हैं, वो है ओवर होल्डिंग या फिर हैवी बैग होल्डिंग। मैं कहूँ तो इसमें बेसिकली होता क्या है, ज़्यादातर लोग हैं जो कि 2017 का जब बुल रन आया था तो वो लोग ग्रीडी हो गए थे और उन्होंने जो कॉइन होल्ड करके रखे थे उनको सेल नहीं किया और वहाँ से उनका जो प्रॉफिट था वो कट हो गया। और अभी देखोगे तो बहुत ज़्यादा वो कॉइन्स डाउन होंगे। तो कभी कभी वो लोग जो है कॉइन को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं बट एक सही टाइम पे जो है उससे निकल नहीं पाते, तो वो चीज़ बहुत सही नहीं रहती। एंड कभी कभी किसी कॉइन का जो है प्राइस डाउन, बहुत ज़्यादा डाउन आ जाता है अपने ऑल टाइम हाई से, तो उसको जो है बहुत ही ज़्यादा बाई कर लेते हैं बिकॉज उनको लगता है कि ये दोबारा से जो अपने ATH पे टच करेगा। तो बहुत ही ज़्यादा बैग जो है भर लेते हैं कॉइन्स का बहुत इन्वेस्ट करके, जो कि नहीं करना चाहिए। तो ये ओवर होल्डिंग का काम जो है क्रिप्टो बिगनर्स करते हैं। एट्थ कॉमन मिस्टेक है दोस्तों कि अपने जो कॉइन है उसको लॉन्ग टाइम के लिए जो है एक्सचेंज पे स्टोर करना। बेसिकली ज़्यादातर लोग ये तो अभी भी कर दिए बट ऐसा आपको नहीं करना चाहिए अगर आप क्रिप्टो में हैं तो। क्रिप्टो बिगनर्स नहीं, जो लोग क्रिप्टो में सालों से हैं वो भी अपने कॉइन्स को जो है एक्सचेंज पे रखते हैं बहुत लंबे टाइम के लिए, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि कोई भी एक्सचेंज 100% सेफ नहीं है। हालांकि जो हार्डवेयर वॉलेट है वो भी 100% सेफ नहीं है बट वो एक्सचेंज से बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड है बिकॉज वहाँ पे आपके फंड पर आपका पूरा कंट्रोल होता है। जो बाइनेंस जैसे एक्सचेंज हैं जो कि सेफू फंड जैसा कुछ चलाते हैं जिससे कि अगर बाई चांस हैक वगैरह भी हो जाता है तो वो लोग पे कर देते हैं यूजर्स को, तो ये अच्छी बात है जिससे ट्रस्ट बनता है यूजर्स का एक्सचेंज पे। बट ज़्यादा टाइम के लिए आपको एक्सचेंज पे बहुत सारे कॉइन्स अपने नहीं रखने चाहिए। आपको जो भी हार्डवेयर वॉलेट पसंद है या सही लगता है रिसर्च करके आप उसको बाई करें और उसमें जो है अपना क्रिप्टो करेंसी है वो स्टोर करें, वो चीज़ एक्सचेंज से बेटर होती है। नाइन्थ कॉमन मिस्टेक है दोस्तों जो कि क्रिप्टो बिगनर्स करते हैं, उनको लगता है कि किसी कॉइन का प्राइस जो है काफ़ी लो है तो उसमें ग्रेट पोटेंशियल है। अभी देखो क्रिप्टो बिगनर्स ऐसा करते हैं, अगर आप बिल्कुल ही बिगनर्स हैं तो आपने देखा होगा कभी कभी बिटकॉइन का प्राइस आप सोचते हैं कि यार बहुत ज़्यादा है, इसको तो मैं रहने देता हूँ, इसको बाई नहीं करता हूँ, XRP को देख लेता हूँ, XRP का प्राइस तो बहुत ही कम सेंट में चल रहा है तो मैं इसको बाई कर लेता हूँ, ऐसा वो लोग सोचते हैं। उनको लगता है कि इसमें जो है ग्रेट पोटेंशियल है और इसका प्राइस भी जो है USD की वैल्यू में कम है तो मैं इसको बाई कर लेता हूँ, ऐसा बिगनर्स जो है सोचते हैं। बट ऐसा नहीं होता, इस चीज़ में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि काम आते हैं, किस टाइप का प्रोजेक्ट है, सप्लाई वगैरह क्या है, क्या मार्केट में वो लोग नया कर रहे हैं, फंडामेंटल कितना स्ट्रांग है प्रोजेक्ट, टीम वगैरह, बहुत सारी चीज़ें आती है तब जाके जो है इन्वेस्ट करना होता है। ज़्यादातर बिगनर्स सोचते हैं कि हाँ इस कॉइन का प्राइस जो है बहुत ही कम है तो मैं इसको बाई कर लेता हूँ, बट ऐसा जो है नहीं करना चाहिए। एंड 10th नंबर पे दोस्तों मैं कुछ और कॉमन मिस्टेक्स ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि इन्वेस्टिंग मनी दे कांट एफोर्ड टू लूज़। तो ये तो ज़्यादातर लोगों के साथ होता है, वही पैसा इन्वेस्ट करो जिसको अगर आप क्रिप्टो में खो भी दो, अगर चला भी जाए तो आपको दुख ना हो, या फिर कुछ ऐसा पैसा रेंट का मनी है या फिर आपने कुछ लोन वगैरह लिया है तो वो चीज़ें बहुत ही टेरिबल आइडिया है क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने का उस पैसे से, तो ये चीज़ आप कभी भी ना करें। या फिर जो क्रिप्टो बिगनर्स होते हैं जो कि ट्रेडिंग में घुसते हैं वो कभी भी जो है स्टॉप लॉस का इस्तेमाल नहीं करते, एंड जो प्रॉफिट है उसका भी टारगेट वो लोग सेट नहीं करते अगर ट्रेडिंग करते हैं तो वो चीज़ भी जो है मिस्टेक्स करते हैं। या फिर कुछ पोंजी स्कीम्स में फंस जाना, हाई रिटर्न जो है देख के जो स्कैम्स वगैरह है उनमें पैसा लगा देना, ये और मिस्टेक्स हैं जो कि करते हैं। या फिर फॉर्मों में आ जाना गाइस, लाइक कुछ भी रिसर्च नहीं करना, डायरेक्टली जाके उनको जो है पता चला कि हाँ ये कॉइन बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, फॉर्मों में आ जाते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट और इन्वेस्ट कर देते हैं, तो ये चीज़ कभी भी जो है नहीं करनी चाहिए बट जो बिगनर्स हैं वो कर देते हैं। तो यह हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो कि क्रिप्टो बिगनर्स हमेशा करते हैं जब वो लोग क्रिप्टो में नए नए होते हैं, एंड आपने भी आई थिंक इनमें से कुछ मिस्टेक्स जो है की होंगी। सो होप अगर आप एक बिगनर हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इन सारी चीज़ों को अवॉइड करें गाइस। एंड और भी कुछ मिस्टेक्स हैं जो कि मैं हो सका तो पार्ट 2 में जो है कभी कवर करूँगा, बट ये जो है बहुत ही कॉमन मिस्टेक हैं जो कि बिगनर्स करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों,
इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।